भाई देवलीना ने किस तरीके से शहनाज की तारीफ़ करते करते पारस की बैंड बजा दी। जी हाँ, पारस के मुंह पे उनके बारे में क्या बोला है तो बताऊंगी अपनी इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइज, पारस चावड़ा जो एज अ कनेक्शन बन के गए हैं देवलीना का, तो वहाँ पर बैठे होते हैं जान एंड ज्योतिका दिलैक, और वहाँ पे पारस बात करने लगते हैं सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में। जब वो लास्ट टास्क था जिसमें पारस को सिद्धार्थ ने सेव किया था और इसके लिए बोला था कि मैं पे बैक कर रहा हूँ, तो उसी को लेकर के पारस उसी मोमेंट को शेयर करने लगते हैं और बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि सिद्धार्थ मुझे सेव करेगा, लेकिन क्योंकि आरती भी थी, शहनाज भी थी, लेकिन उसने तब भी मुझे सेव किया तो मैं बहुत शॉक्ड था, और माहिरा भी को भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। हम लोग वहाँ बैठ के चाय पी रहे थे, इस तरीके से वो बात करते नज़र आते हैं। तो जान भी कहते हैं हाँ मैंने वो मोमेंट देखा था, दैट्स वेरी इमोशनल, और पारस कहते हैं लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मुझे सच में इमोशनल हो गया था जब सिद्धार्थ नहीं किया। मैं तो सोच रहा था ये क्यों कर रहा है, क्योंकि इसलिए कर रहा है मेरे लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे गाइस देवोलीना बोल पड़ती हैं कि सिद्धार्थ अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़ा रहता था, ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे पारस कहते हैं नहीं, उसके ज़्यादा खास दोस्त तो वो शहनाज थी, आरती थी। तो यहाँ पे देवोलीना कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शहनाज को तो उसने कभी भी सेव नहीं किया, क्योंकि उसे पता था हमेशा से कि शहनाज की खुद की फ़ैन फॉलोइंग है और वो आगे चली जाएगी खुद की फ़ैन फॉलोइंग के बेस पर, उसको सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिद्धार्थ ये चीज़ हमेशा से जानता था। वहीं पर पारस ने कहा मुँह लटका के, क्या मतलब है, मैं नहीं आके जा सकता था। तो फिर उसके बाद पारस ने कहा वो मुझे रिपैक कर रहा था, पे बैक कर रहा था, जैसा कि उसने कहा भी था कि मैं तुझे पे बैक कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। तो देवलीना कहती हाँ हाँ वो ठीक है, वो तुझे पे बैक कर रहा था, जो भी कर रहा था बस, बट उसने तुझे सेव तो किया ना। तो इस तरीके से देवलीना यहाँ पर भाई बोल देती हैं, जबकि भाई शहनाज खुद की फ़ैन फॉलोइंग के दम पे आगे चली जाएगी, सिद्धार्थ को बिलीव था इस चीज़ का। तो यहाँ पे पारस का लिटरली मुंह लटक जाता है कि मतलब मैं इस लायक नहीं था कि मैं ग्रैंड फिनाले पहुँच जाता। जी हाँ, इस तरीके का पारस के एक्सप्रेशन थे चेहरे के। वेल, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।